ये पेड़ तो बहुत पुराना था यार। यहाँ पे देखिए पुफू बना रही है रोटी और आग नहीं, आग जल रही है। पुफू कह रही मैं आराम से बनाऊंगी। ये सामने सन है, सन बैंड जो बहुत फेमस है, ऊपर दुर्गा धार है, ये कार्तिक स्वामी की पहाड़ी है, ये क्वीली कुंडजन ये ऊपर गांव है। अगर आप लोग आसपास के होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा घर किस लोकेशन पे है। इतने मच्छर, इतने घास झाड़ी ना, मतलब ये जा भी रहे मार्केट तो कुछ नहीं ला रहे, खाली बोल रहे हम जा रहे हैं। लड़ाई करके जा रहे हैं, घूम घाम करके सीधे घर आ रहे। थोड़ा आराम किया, कौन सोया? मैं थोड़ी सोई। ताई जी लोगों ने हम लोगों को दी थी छाछ और हमने कहा रोज भात भी क्या खाना है, कभी कुछ अलग चीज भी खाएंगे, तो हम लोग बना रहे हैं छनछोड़ा। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर सुबह नाश्ता करने के बाद तो हम लोग सो गए थे, क्योंकि यही हो रहा है कि जल्दी उठ जा रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, सो जा रहे हैं और प्रॉपर दरवाजा बंद करके रखना है, क्योंकि चारों तरफ इतने बंदर हैं कि तुम बच नहीं सकते। क्या कर रहे हो? बस सफाई कर रहे हैं। लोगों ने दरवाजे खत्म खराब कर दिया हमारे। लोगों ने तो नहीं होता, ऐसे धूप से खराब हो रखे हैं। अरे लोग तेल डालो उसमें, कुछ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप भी है, इस वजह से भी दरवाजे चटक गए हैं। ये देखो दिन भर आई रखे हैं, दिन भर आ रखे हैं। हट, एक रोड व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। ले ले कोगेशु, कहाँ गया? ले ले ले, आज आज वो खा भी सकते हैं भाई, देख रहे हैं इधर से। पूरी भी डाल, पूरी क्यों तेरी पूरी, हम खाएंगे ना। अरे तो तुम भी खा लो, पर हमारा पेट नहीं भर रहा। खा आपस में लड़े कनू ना, आपस में लड़े कनू ना, आपस में ये लड़ भी सकते हैं। हो गया, दरवाजों की बड़ी दुर्दशा हो रखी है, कुछ तो बंद खुला करके, कुछ यहाँ पे धूप की वजह से चटक गए, कुछ बात हो गई। तो ये हमने थोड़ा सा तेल डाल रखा है उसमें, और मम्मी सुबह नाश्ता के बर्तन अभी धो रही है, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्या नाश्ता करने के बाद क्या जरूरत पड़ गई थी मम्मी? क्या जरूरत पड़ गई थी? सोने की, थोड़ा आराम करने की। थोड़ा आराम किया, कौन सोया? मैं थोड़ी सोई। अरे तो थोड़ा आराम किया ना, आप सुबह उठ गई। मैं 5 बजे, मैंने तो घीती लगा दी है कि मैं 5 बजे कभी कभार तो वही तो कभी कभी उठना पड़ता है यार। कभी कभी तो पूरा दिन कुछ नहीं होता करने को, कभी कभी कोई दिन थोड़ा हेक्टिक होते हैं, उस दिन थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाता है। तो फिलहाल देखो ये दरवाजा भी खराब हो रखा है, जैसे खोलो तो हिलता ही रहता है। तो अभी मेरी हो रही है यहाँ पे आज छनछोड़ा बनाने की तैयारी। ताई जी लोगों ने हम लोगों को दी थी छाछ और हमने कहा रोज भात भी क्या खाना है, कभी कुछ अलग चीज भी खाएंगे, तो हम लोग बना रहे हैं छनछोड़ा। ये देखो, तो इसमें मैंने थोड़ा कुछ लौकी डाल दी है, ये यहाँ पे खीरा कोर के रखा हुआ है, और नमक मिर्च मसाला भी चले गया। कल की ये मुंगरी हम लोगों ने भिगा के रखी हुई थी, भिगा के। ए लक्की आ गया स्कूल से, प्रणाम प्रणाम। सुबह बहुत हैवी नाश्ता किया था, पूरी वगैरह खाई थी, इसलिए अभी तक भूख नहीं लगी। और 3 बजने वाले हैं, 3 बजे तक कर रहे हैं हम लोग ये प्रोग्राम। पहले मन नहीं था, फिर वहाँ देहरादून में क्या होता था, कभी कभी दिन का खाना छोड़ देते थे और शाम को स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेते थे, नमकीन बिस्किट। यहाँ कुछ भी नहीं है शाम को खाने के लिए साथ में, तो इसलिए हमारा यही काम चल रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। भात दाल रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए वही बनाना पड़ेगा। है मम्मी, मैं बोल देहरादून कुछ ना कुछ खाना था, तो यहाँ क्या करें, यही खाना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी है। मतलब ये जा भी रहे मार्केट तो कुछ नहीं ला रहे, खाली बोल रहे हम जा रहे हैं और वैसे चीजें कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। लड़ाई करके जा रहे हैं, घूम घाम करके सीधे घर आ रहे हैं। हाँ, सब चप्पे चप्पा मार के आ रहे हैं, नगरासु गौचर कुछ नहीं, एक वो भी नहीं लाए क्या, एक नमकीन का पैकेट तक नहीं लेके आ रहे। तो लक्की जा रखा था स्कूल। लक्की क्या बोला तेरे पापा ने, कपड़े पसंद आए? बस यहाँ पे तेरे पापा बोल रहे थे, बोल मैंने उस लक्की को बोला कि सूरज चाचा के साथ जाना और लेके आना। अच्छा ले,
मन नहीं कर रहा था वैसे खाने का। नाना तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं थोड़ा सा तैयार होके थोड़ा बहुत घूमने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मम्मी मना कर रही है कि सब जगह झाड़ी झाड़ी हो रखी है, कहीं नहीं जाना है, लेकिन ये दरवाजा अटक नहीं रहा। मम्मी ये दरवाजा आज अटक रो नहीं, ये दरवाजा हम सुबह इस पे काम कर रहे थे ना कुछ, तो ये देखिए आज खड़ा नहीं हो रहा, वरना हाँ ये देख ना, वरना ये पीछे नहीं रहता था, ये देख फ्री हो गया ये। हाँ अब तो आसानी से लग रहा है, हाँ अब आसानी से लग रहा है। हाँ तो ये अंदर से भी देखती हूँ, लगता है नहीं लगता, पहले ना ये दरवाजा बहुत दिक्कत कर रहा था, ये अभी भी आसानी से लगन, ऊपर वाला भी, ऊपर वाला भी। आज सूरज ने इस पर बहुत खट्टाखोरी करी, खोल दो पहले मेरे को बाहर निकालना है एक बार। तो ये दरवाजा मैंने देखा भी बात करते करते बहुत फ्री हो गया है। मैंने बताया था कि बंदरों का इतना खतरनाक प्रकोप है कि तुम कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो, और वो क्या है हमारा पोहा लेके चले गए थे, हमने जैसे प्लान बनाया कि हम पोहा बनाएंगे यानी चूड़ा जिसको गढ़वाली में बोलते हैं वो लेके चले गए, और यहाँ पेड़ में एक थैली अटकी हुई है, तो मम्मी बोल रही जरा देखने जा ये रास्ता किसने बनाया यार, तो मैं देखती हूँ कहीं यो यो उंगली यार भिज रहे, क्या चीज है ये, छी पता नहीं क्या है, नहीं 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 सिर्फ लग रहा है कि उसके अंदर कुछ है, मुझे लगा कि वो पोहा जो लेके गया था बंदर कहीं उसने छोड़ तो नहीं दिया, वो क्यों छोड़ता, वो तो खाने की चीज थी। मम्मी कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली है वो थैला। हाँ ये देखो यहाँ से लग रहा है जैसे भरा होगा, ये देखो। सबसे ज्यादा परेशानी है यहाँ पे मच्छरों की, मतलब मैंने अगर एक सेकंड के लिए कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है मेरे ये पूरा हाथ मच्छरों ने खा दिया। अभी मैं थोड़ा सा छत में आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू हमारे चारों तरफ का। अगर मैं इस अपने लेफ्ट से बात करूँ, मतलब घर हमारा इस तरफ के लिए है, लेफ्ट से बात करूँ तो यहाँ की फेमस जगहों में से होगा ये सामने सन है, सन बैंड जो बहुत फेमस है, ऊपर दुर्गाधार है, थोड़ा इस तरफ आएंगे तो ये कार्तिक स्वामी की पहाड़ी है, इसके नीचे ये चोपड़ा हो गया है, चोपता नहीं चोपड़ा हो गया है, ये क्वीली कुंडजन ये ऊपर गाँव है, ठीक है। इसके अलावा सामने वो धारकोट हो गया है, ये आप लोग समझते हैं ना, चोपता दो दो है, एक तो तुंगना चोपता है और एक सन वाला चोपता है यानी कार्तिक स्वामी वाला चोपता, तो वो बिल्कुल दिखता है सामने। इसके अलावा सामने तो धारकोट हो गया है और इसके अलावा यहाँ कांडा वगैरह हो गया है यानी जसोली जहाँ मेला लगता है। तो ये कुछ कुछ जगह है जो बिल्कुल फेमस है, फेमस है मतलब जानते होंगे, अगर आप लोग आसपास के होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा घर किस लोकेशन पे है, कि हमारे ये सामने आगे पीछे इस तरह की जगह है। तो अभी हम लोग ऊपर अपने खेतों की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, और ये वाला अमरूद ना हम 2 साल पहले तक घूमने का बिल्कुल नहीं है भाई। हाँ। इतने मच्छर इतने घास झाड़ी ना, और दिन तो ये अमरूद इतने बड़े बड़े होते थे, पता नहीं अरे पता नहीं इसकी नस्ल खराब हो गई या तो नस्ल खराब हो गई या अंदर पानी नहीं जा रहा, अरे पेड़ हो चाहे कुछ हो मेहनत की जरूरत पड़ती ना, नहीं रहे यार ये भी नहीं जलाए, कुछ भैया तभी तो नाराज हो रहे थे क्यों कि कोई नहीं आया वहाँ, इतनी गंदगी कर रखी, अच्छा सफाई नहीं करी, सफाई नहीं करी किसी ने। तो ये पहले बहुत बड़े बड़े अमरूद होते थे, ये इसकी जड़ में शायद पानी नहीं जा रहा ना, खुली नहीं उसको, तो इस वजह से इसके अब छोटे छोटे अमरूद हो रहे हैं, तभी तो और दिन तो इतने बड़े बड़े होते थे। अबे यार अब हम कोई खाना भी नहीं हो, और छोटा ही स्वादिष्ट था। मम्मी दांत भी नहीं चुभणो, मतलब कड़गाल बोलते हैं इसको गढ़वाली में, जो ये चुभता नहीं है ना, मतलब 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई हुई थी तो मैं ये अमरूद निकालने आई थी, तो मैंने पहले निकाला नहीं क्योंकि छोटा था, फिर मैंने देखा इतना स्वादिष्ट छोटा सा इतना पका सा लग रहा है, अमरूद कभी भी पके हुए अच्छे नहीं होते हैं, फिर उनका बीज पक जाता है ना अजीब सा होता है, लेकिन जब कच्चे कच्चे अमरूद होते हैं ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ये ऐसे ही था, लेकिन अब पता नहीं क्या हाल हो गए। ये मेरे पीछे जो खेत है इस जगह का नाम है वैसे चोटा, और ये मेरे पीछे जो खेत है यहाँ पे हमारी इतनी तोर होती थी, हमारे कोयल क्या उसमें कोयल ही नहीं, हाँ तो यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा तोर होती थी। कुछ काम कैसे करना, ये मच्छर मम्मी भी हिड़ रही है, कैमरा पर्सन मेरे पैर में भी इतना काट दिया, सर में भी खाते है क्या मच्छर, यार क्या बोलती थी मैं, इतनी तोर होती थी वही तो यार सब खा रहे हैं। चल मैंने मम्मी को बोल दिया था कल भी, हमको इतने मच्छरों ने खाया आज इस तरफ नहीं आना है,
उधर चल कहीं बिन दीदी लोगों के घर बिन दीदी घर का घुमाता थोड़ा बातें कर लेंगे ना ऐसे वो कर लेंगे जितने मच्छर ने खा लिया उस ये पेड़ तो बहुत पुराना था यार ये तो अभी है इस हम भी है इसके साथ के हम और ये साथ साथ गए ना लेकिन हो गया ये बहुत पुराना ये देखिए अभी कितना छोटा लग रहा है पहले हम लोग इसमें चढ़ा करते थे पहले हम इस पेड़ में जाते थे माई दीदी वो नहीं निकालने देती थी ना अमरूद हम फिर तो यहाँ पे देखिए फूफू बना रही है रोटी और आग नहीं आग जल रही है फूफू कह रही मैं आराम से बनाऊंगी मैं हाँ तो ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रही और अभी तक बातें करते करते इतना टाइम हो गया कि अंधेरा भी हो गया सब बाय बाय कर दो भाई हाँ सुबह कल मिलेंगे कल हाँ ठीक है बाय बाय हाँ भाई तो थकी और बट रोड बनेंगे मनोज भाई बोलो चलो गाइस चलो अंधेरे में और अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शोर करते हुए जाएंगे क्योंकि कोई भी चीज हो सकती है मतलब छोटी मोटी सांप हो सकता है बाघ हो सकता है चलो चलो वाह ओए चलो तो फिर दिन में हम लोगों ने बनाया था छनछोड़ा यहाँ दिखा तो थोड़ा इसके हिस्से में आया है इतना वैसे ये मना कर रहा था क्यों कर रहा था मना अच्छा हो रहा था लौकी डाली थी इसीलिए अच्छा हो रहा था तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसलिए अभी थोड़ा इसके हिस्से में आया है थोड़ा मेरे हिस्से में आया है मम्मी बोल रही जल्दी जल्दी खत्म करो और मम्मी के हिस्से में आया है एक सेब अच्छा हो रहा था ना मेरे हाथ का बाद में मत खा तो मैंने डाला उसमें अच्छा डाला बाद में अच्छा खाओ बहुत अच्छा हो रहा है डाकू की तरह लग रहा है डाकू की तरह क्यों कर रही है काम ऐसे फिर कहीं धुआं लगा रहा है क्या जन देवी वो बोलो मम्मी डाल डाल फिर हमारे पास काफी सारा चूना बच रहा था हमने कहा अंदर रख के क्या करेंगे इसलिए फिर से डाल देते हैं कम से कम ये साफ होता रहेगा क्या है ये ब्लीचिंग है तो हमें भी कपड़ा बांधना पड़ेगा अच्छा आज दोबारा लेके आया है सुन यहाँ ऊपर इनमें डाल इनमें डाल क्या नहीं मिलता ब्लीचिंग पाउडर यहाँ इसमें डाल ना इसमें ऊपर मेरे नाक में ना घुस गया ब्लीचिंग पाउडर क्योंकि बाहर जा रहे हैं वैसे हो रहा है अंदर आ रहे हैं उसका पूरा मतलब पूरे माहौल में ब्लीचिंग पाउडर की खुशबू है अभी वो छत में जा रखे है नाक में चले गए है जैसे मैं बाहर आई आपको दिखाती इसके शक्ल ये देखो कैसा डाकू बना हुआ है ये हाथ पैर देखो बाप रे अब पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया चारों तरफ अब पूरी सफाई हो जाएगी इनकी जा हाथ पैर धो के आ जाओ ये इतना बचा हुआ है एक मिनट आज है दूसरा दिन और आज के दिन पे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा ही है तो मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ये अभी शाम का टाइम हो रहा है और वही हमारा डेली रूटीन की चलो दिन भर जो भी कुछ किया कभी कभी हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं इसलिए कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आज मैं शाम को थोड़ा सा उठ के ऊपर की तरफ जा रही हूँ मतलब थोड़ा बहुत घूमने के लिए बिन दीदी लोगों के घर की तरफ और धुआं तो परमानेंट लगा हुआ है अभी इतना ज्यादा लग गया ये देखिए परमानेंट कंटर लग ही रखे बहुत बार ज्यादा लग गए अभी तक लग नहीं रहा था अब ज्यादा ही हो गया मैंने भी रखा है उधर दो दिन ना बंद करी थोड़ा हल्का पक भी जाना दो चार दाने पी लिए थे फिर मैंने काट दी ने और बाकी वो भाव बक कर ये भी मैं तुम कौन है थी अब मैं ये मिल लूं मैं थोड़ा ये हो तो ये हम का बर्बाद है तो हम तो निकल का है जी मैं तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का शायद कल हम लोग चले जाएं या फिर
परसों, पता नहीं अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं फिर, करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे खत्म। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।